हेलो गाइस, कैसे आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास एप्पल के दो ऐसे महारथी फोन हैं जिनका कंपैरिजन तो बनता ही है भाई। तो आज हमारे पास एक तरफ आईफोन 12 मिनी और एक तरफ है आईफोन 11। अब आप लोग बोलोगे भाई ये तो काफी ज्यादा पुराने फोन है, इनका कंपैरिजन क्यों लेकर आ रहे हो। तो देखो भाई सब्र करो, थोड़ा समझाता हूं क्यों। क्योंकि देखो भाई आप लोग मेरे आईफोन कंटेंट को ज्यादा ही प्यार देते हो और आप लोगों को पसंद आता है जब हम लोग आपको बताते हैं कि भाई अब जब सेकंड हैंड मार्केट या फिर जब ओल्ड फोन लेने जा रहे हो कोई आईफोन बेसिकली, तो कौन सा लिया जाए और कौन से सेगमेंट में कौन सा सही रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जब प्राइस देखा जाता है ना, तो यहाँ पे दो स्मार्टफोन ना बहुत ज्यादा आ रहे थे दिमाग के अंदर, एक iPhone 12 mini और iPhone 11, क्योंकि इनका प्राइस जो अब लगभग सिमिलर सा हो गया है। 11 आपको 20-22 की रेंज में मिल जाता है, अभी भी भाई इसकी काफी अच्छी वैल्यू जो है होल्ड कर रहा है। वहीं पे 12 mini जो है ना आपको अराउंड 25,000 रुपए में मिल जाता है कैश वाई पे, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। और अगर आप लोग ऑफलाइन लेने जाओगे तो ऑफलाइन में भी आपको लाइक 11 अराउंड 20 का मिल जाएगा और 12 mini अराउंड 23-24 तक का या फिर शायद 22 का भी मिल जाएगा, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करे तो इतने में मिल जाएगा। तो मैंने सोचा इनका कंपैरिजन आते हैं, शायद आपको 2-3,000 रुपए का जो फर्क है समझ ना आ रहा हो भाई क्यों इसके लिए ज्यादा दें। ये तो फोन दिखने में भी छोटा है, लेकिन भाई ये फोन जो है छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो इस वीडियो के साथ भी आपको यही करना है कि धमाका करना है लाइक के ऊपर और सब्सक्राइब बटन के ऊपर, क्योंकि आज वाला ये जो कंपैरिजन है आप लोगों के काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई सबसे पहली चीज का वो है फोन कॉल। तो फोन कॉल आ गई थी बीच के अंदर, लेकिन हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भाई आप लोगों इन फोन को लेना कहां से है। तो सबसे पहली चीज आती है भाई यहाँ पे प्राइसिंग चेक करना ऑनलाइन, क्योंकि देखो मैंने आपको बता तो दिया कितने में ले सकते हो क्या है, लेकिन यहाँ पे जब ऑनलाइन प्राइसिंग चेक करते हैं तो भाई ये देखो यहाँ पे कैशवाई पे जाता हूँ, कैशवाई रिफर्बिश स्मार्टफोन बेचता है ना, तो आप लोग देख सकते हो जो 12 मिनी का रिफर्बिश रेट है वो है 26,699, ठीक है। वहीं पे आईफोन 11 का जो रेट है वो 24,399, तो ये काफी ज्यादा सिमिलर सा ही रेट है, यहाँ पे कुछ ज्यादा फर्क लग ही नहीं रहा है। बल्कि अगर आप लोग भाई ऑफलाइन लेने जाओगे ना तो आपको ऑफलाइन के अंदर काफी ज्यादा सस्ते अमाउंट पे फोन देखने को मिल जाएगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब जैसे कि रिफर्बिश अगर आपको लेना है ऑनलाइन, अगर आपको भाई वारंटी क्लेम करनी है, मतलब ऐसा चाहिए आपको भाई थोड़ी अश्योरेंस चाहिए, तो आप लोग कैशबैक से ले सकते, थोड़ा महंगा पड़ेगा। बट अगर आप बात करें भाई जो इतना कम फर्क है दिखा रहे हैं ऑनलाइन में, क्या सच में इतना ही कम फर्क है, क्योंकि फोन तो बड़े अलग है। तो यहाँ पे सबसे चीज स्टार्ट करते हैं भाई, देखो ओवरऑल लुक्स के साथ यहाँ पे आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। जो 11 हो काफी ज्यादा बड़ा है, वहीं पे जो 12 मिनी हो बहुत छोटा है। रीजन है क्योंकि मिनी फोन है, ऑब्वियसली मिनी मतलब मिनी तो मतलब छोटा ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले का साइज जो आपको आईफोन 12 मिनी में 5.4 इंच का मिलता है, वहीं पे आईफोन 11 के अंदर आपको डिस्प्ले साइज 6.1 इंच का मिलता है। और ये जो डिस्प्ले साइज है भाई आपको काफी ज्यादा फर्क दिला देगा, बिकॉज ओवरऑल जो फॉर्म फैक्टर होता है फोन का इसी पे डिपेंड करता है और फोन छोटा लगता है, तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और ऑब्वियसली ये मिनी फोन है तो डिस्प्ले साइज उसी अकॉर्डिंग है। अब अगर साइड बाय साइड कंपेयर करते हो कहीं ना कहीं आपको ना दोनों ही फोन कंफर्टेबल लगेंगे, बट 11 ना ज्यादा कंफर्टेबल इसलिए क्योंकि ना राउंडेड है कॉर्नर से, राउंडेड होने से क्या होता है काफी ज्यादा कंफर्टेबल बन जाता है और दिखने में बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, और साथ ही साथ जब आप हाथ में उठाते हो तो कंफर्टेबल ज्यादा हो जाता है। वहीं पे जो 12 मिनी है ये ना थोड़ा सा ना ऐसे एजिस से ना आप देखोगे ये जो है एल्युमिनियम के, तो काफी ज्यादा ऐसे घुसती है हाथों के अंदर, तो इसमें थोड़ा सा आपको फर्क आ सकता है। वहीं पे ना बहुत ज्यादा छोटा है फोन, मतलब मेरे को बड़े फोन यूज करने की आदत पड़ चुकी है, तो मेरे को छोटा लगता है और वैसे होगा भी क्योंकि मिनी है, तो उसके ऊपर तो मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि ऑब्वियसली मिनी फोन है। बट कहीं ना कहीं डिजाइन वाइज दोनों ही फोन सिमिलर है, आपको वही सेम सेटअप देखने को मिल जाता है, कैमरा का उसी सेम जगह पे, एप्पल लोगो सेम जगह पे है, आईफोन नीचे लिखा हुआ है, प्रोडक्ट रेड है तो रेड कलर का नीचे साइन बना हुआ है, तो कुछ इस तरीके के हैं। बाकी आप लोग बताओ आपको कौन सा ज्यादा डिजाइन पसंद आ रहा है। अब जब सामने आते हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिस्प्ले साइज है वो डिफरेंट है यहाँ पे, तो जो 5.4 इंच हमारे 12 मिनी मिल रहा है ये सच में आपको छोटा लगेगा, बट काइंड ऑफ सही है, यूजेबल भी है। ऐसा नहीं भाई ये फोन बिल्कुल यूजेबल नहीं, काफी लोग बोल रहे थे यूजेबल नहीं है, मेरे हिसाब से फोन मोस्ट केसेस में यूजेबल बहुत ज्यादा है, बट जब आप लोग भाई एक बड़े फोन से कंपेयर करते हो लाइक 6.1 इंच से, तो भाई ऑब्वियसली आपको वो छोटा लगेगा। लेकिन मैंने कभी भी ऐसे नोटिस नहीं करा कि कुछ दिक्कत हो। हाँ आप जब टाइप करोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन इस डिस्प्ले के एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ। ये जो 5.4 इंच का पैनल 12 मिनी में लगाया गया ये XDR OLED पैनल है। हाँ भाई ये रेटिना OLED पैनल आता है जो कि एप्पल लगाता है, और ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है क्योंकि इसकी जो पीक ब्राइटनेस हो गई, ओवरऑल जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो हो गया, ओवरऑल हर एक चीज हो गई वो ज्यादा बेटर निकल आती है। वहीं पर आईफोन 11 के अंदर आपको 6.1 इंच का IPS रेटिना पैनल देखने को मिलता है, जो एक नॉर्मल सा पैनल है, 625 निट्स की पीक ब्राइटनेस देता है, ये ज्यादा ब्राइटनेस भी नहीं है इस फोन के अंदर। वहीं पर आईफोन 12 मिनी हमारे 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस देता है, तो ओवरऑल आउटडोर व्यूइंग जो गई हमारे आईफोन 12 मिनी के अंदर ज्यादा बेटर आ जाएगी। और साथ ही में जब आप लोग नेटफ्लिक्स के ऊपर कोई भी HDR कंटेंट या फिर डॉल्बी विजन वाला कंटेंट प्ले कर रहे होगे तो 12 मिनी ज्यादा अच्छे से आपको दिखा पाएगा, और ऑब्वियसली OLED है तो ज्यादा बेटर भी लगेगा। बट देखो आप लोग ज्यादा ही मूवी वॉच करने का ऐसे पैशन रखते हो, ज्यादा ही आपको मजा आता है, तो भाई 12 मिनी की डिस्प्ले आप लोग कहीं ना कहीं छोटी लगेगी, बिकॉज ऑब्वियसली वो जो मिनी वाला फॉर्म फैक्टर आ ही जाएगा। देखो कहीं ना कहीं प्लेन होता है, आपको थोड़ा सा घुस के देखना पड़ेगा, ये चीज मैंने नोटिस करी है। देखो 12 जो है और 11 में बेसिकली एक साल का ही फर्क था, 2019 में 11 आया और 2020 के अंदर 12 आया। अभी एक साल के फर्क के अंदर यहाँ पे काफी सारे चेंजेस ऐसे हुए, जैसे कि आप अगर IP रेटिंग देखो दोनों ही फोनों के अंदर हमारे को IP68 की रेटिंग मिल जाती है, लेकिन आईफोन 11 2 मीटर के पानी के अंदर 30 मिनट तक रह सकता है, वहीं पे हमारा आईफोन 12 मिनी 6 मीटर पानी में रह सकता है अप टू 30 मिनट। तो यहाँ पे पूरा भाई 4 मीटर का डिफरेंस आता है जो कि बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि जो 12 मिनी है वो ज्यादा सस्टेन कर सकता है अंडर द वाटर। तो ये एक चीज है, अगर आप लोग भाई स्विमिंग में ले गए फोन को, मुझे पता है भाई लोगों में चुल रहती है, मेरे अंदर तो थी, मैं भी ले गया था, तो भाई आप भी लेके जाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी अगर आप फोन को ऐसे लेके चलते हो वीडियो बनाते हो अगर अंडर वाटर, ठीक है। ऐसे करना मतलब भाई फोन खराब हो गया तो आपको बहुत दिक्कत होगी, पैसे मेहनत से कमाता है इंसान। अब ये तो एक मेन फैक्टर है, साथ ही में ना आईफोन 12 के साथ ना एक एप्पल ने नई चीज ला ली थी, वो थी
सेरेमिक शील्ड अपने ग्लास के अंदर, मतलब सेरेमिक शील्ड वाले ग्लास यूज करे गए थे, या फिर आप बोलो बेसिकली कोटिंग लगाई थी ग्लास के ऊपर। तो यहाँ पे वही आपको देखने मिलती है आईफोन 12 मिनी के अंदर, जबकि आईफोन 11 सिंपल स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास यूज करा गया है, तो वो भी एक फर्क आ जाता है। यहाँ पे सेरेमिक शील्ड कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर लगेगी। लेकिन ये मत समझना कि आईफोन 11 की ग्लास खराब है या फिर ऐसी कुछ दिक्कत है, वो भी एक मस्त फोन है। लेकिन हम छोटी डिटेल्स इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं 12 मिनी से। और वहीं पे अगर आप और डिटेल देखो, जैसे कि भाई टैप्टिक इंजन जो इनके हैप्टिक फीडबैक होता है, वो भी काइंड ऑफ सिमिलर ही है, कुछ ज्यादा फर्क मुझे नहीं लगता इसमें। और साथ ही में अगर स्पीकर क्वालिटी की बात करूं, तो आपको दोनों फोनों के अंदर डुअल स्पीकर सेटअप मिलता है, ऊपर की साइड में नीचे की साइड में, और दोनों के स्पीकर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। 12 मिनी के स्पीकर थोड़े मेरे को कम लगते हैं, बिकॉज उसका जो चैसी है थोड़ी कम है, तो क्योंकि आवाज कम आती है, बट दोनों के स्पीकर मैं बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट। आपको फर्क पता ही नहीं चलेगा इतना ज्यादा जल्दी से, तो आप लोग कंपेयर ना करो उन्हें। अब बात आती है हमारे भाई बेसिक परफॉर्मेंस की, क्योंकि यहाँ पे ये दो स्मार्टफोन है जो अलग अलग है, क्योंकि एक साल का मेजर गैप है। उससे एप्पल क्या करता है, आपको ऑब्वियसली एक साल बेटर प्रोसेसर दे देता है। तो यहाँ पे आईफोन 11 के अंदर A13 बायोनिक चिपसेट है, जो कि भाई 7 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर। वहीं पे हमारे इस वाले आईफोन 12 मिनी के अंदर है एप्पल का A14 चिपसेट, जो कि 5 नैनोमीटर पे बेस्ड प्रोसेसर है। अब यहाँ पे दोनों ही बायोनिक चिपसेट है, तो काफी ज्यादा एफिशिएंट तो है, लेकिन यहाँ पे आईफोन 12 का ज्यादा एफिशिएंट है, बिकॉज का जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो कम पे है 5 नैनोमीटर पे, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा एफिशिएंट रहेगा बैटरी के मामले में। बट बैटरी की बात आगे चले करूंगा, क्योंकि एक अलग ही चीज है भाई। खैर, अगर रही बात परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको फर्क पता चलेगा, जो 12 मिनी है ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देगा आपको, लाइक अगर आप बेंचमार्क देखो 11 के मामले में। क्योंकि जब मैंने साइड बाय साइड कंपेयर करा एंड्रॉइड और गीकबेंच दोनों के अंदर, यहाँ पे आईफोन 12 मिनी ज्यादा आगे निकल रहा था, तो ये फर्क आया था। बट डे टू डे लाइफ के अंदर मैंने अभी तक, सच बताऊं, हमने आईफोन 11 बहुत यूज करा है और आईफोन 12 मिनी भी यूज कर रहे हैं, तो भाई इतना बड़ा फर्क नहीं आता। आप लोग नॉर्मल डे टू डे टास्क कर रहे हो, फोन उठा रहे हो, वीडियो कॉल्स कर रहे हो, फेस टाइम कर रहे हो, अपना स्नैपचैट चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, मतलब इन सब चीजों के अंदर दोनों ही फोन मक्खन है, उसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक और बात आती है, वो है गेमिंग, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो भाई आईफोन के साथ गेमिंग को काफी ज्यादा से रखते हैं कि भाई गेमिंग कैसी रहेगी। दोनों ही फोनों के अंदर हमारे को ना 4 कोर का ही जीपीयू मिलता है, तो यहाँ पे जीपीयू कोर में कोई भी फर्क नहीं है, बस वही आर्किटेक्चर थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पर 12 मिनी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, अगर आप लोग हैवी लोड देखो तो। बट ये वाले फोन के साथ आप लोग ध्यान रखना कि इस फोन की डिस्प्ले बहुत छोटी, तो आपको गेम खेलने में काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। अगर आप लोग 4 फिंगर क्लॉक खेलते हो अपने, लाइक किसी भी पबजी के अंदर या फिर कोई ऐसे गेम बीजीएमआई टाइप वाली, तो भाई आपको दिक्कत आ सकती है। आप लोग कॉम्पिटेटिव इस पे मुश्किल से खेल पाओ, खेल लोगे मतलब फोन चल जाएगा, बट मुश्किल होगी क्योंकि डिस्प्ले बहुत छोटी है। और अगर आप लोग रैम कैपेसिटी भी देखो, तो दोनों ही फोनों के अंदर 4 GB रैम देखने मिल जाती है, और 6 GB की जो रैम थी ना आईफोन 13 से हुई थी, अभी तक इसमें 12 में और 11 में दोनों में 4 GB रैम है, और दोनों ही फोनों में NVMe बेस्ड स्टोरेज है। तो ये सब चीजें तो सिमिलर ही है, इसमें कोई आपको फर्क नहीं मिल रहा। लेकिन मुझे पता है काफी लोग बोलेंगे भाई फर्क होगा शायद कैमरास के अंदर, तो चलो यार कैमरास की बात कर लें, क्योंकि कैमरास भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सेटअप की अगर बात करूं, तो दोनों ही फोनों के अंदर ना सेटअप सिमिलर है, मतलब 12 MP का नॉर्मल वाइड और 12 MP का अल्ट्रा वाइड, और सामने भी फ्रंट में दोनों सेम मिलता है आपको 12 MP का ही, और साथ ही में आपको फेस आईडी सेंसर मिलता है वही सेम SL3D वाला। लेकिन जहां पे भाई डिफरेंस आता है कैमरा के मामले, वो है भाई इनका अपर्चर साइज। तो यहाँ पे जो आईफोन 11 इसका अपर्चर आता है 1.8 पे, वहीं पे हमारा आईफोन 12 मिनी जो आता है F1.6 के अपर्चर के साथ। तो यहाँ पे लो लाइट कैपेबिलिटीज आईफोन 12 मिनी के अंदर आपको हल्की सी बेटर लगेंगी। सो ना हमने काफी सारे ना लाइक कैमरा सैंपल्स खींचे दोनों ही फोनों से ना, और थोड़ा सा मुश्किल तो देखो हो रहा था, क्योंकि ना कंपेयर करना तो कभी बार हो जाता है, बट यहाँ पे हमने नोटिस करा कि ना आईफोन 12 थोड़ा सा भाई बिल्कुल थोड़ा सा शार्पर है, मतलब ज्यादा शार्प फोटो आ रही है, और लो लाइट के अंदर थोड़ा 12 मिनी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। ये चीज हमें फर्क पता चला है जो मुझे देख के लगा, और बाकी आप लोग बताना यार काफी ज्यादा सिमिलर है। हम लोग ना फोटोज आज काफी स्लो दिखाएंगे आपको, ताकि आप लोग आराम से जज कर पाओ। तो एक बार देखना और आप मुझे बताना कि आपको कौन सी बढ़िया लग रही है, क्योंकि मैं इसमें जज नहीं कर पा रहा था, काफी मुश्किल हो रही थी इवन टीम को भी भाई कौन सा अच्छा लग रहा है। बट हाँ 12 मिनी कहीं ना कहीं मेरे को अच्छा लग रहा था, बता रहा आगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। और अगर बात करें लाइक वीडियो क्वालिटी की, दोनों फोन आपको 4K 60fps की वीडियो देते हैं, दोनों फोन के अंदर आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है, तो वीडियो मामले में दोनों बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग HDR वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहते हो डॉल्बी विजन वाली, तो आईफोन 12 मिनी के अंदर आपको वाला ऑप्शन मिल जाता है कि आप HDR वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि आपको आईफोन 11 में नहीं मिलता। अब यहाँ पे लास्टली भाई आपको, जैसे मैंने बताया कि काफी सारी चीजों के अंदर यहाँ पे 12 मिनी जीत रहा है, तो बेसिक उसका जो मेजर कॉन है ना उसका साइज ही है, और साइज बताओ साइज इसका ना ऐसा है कि ना इसके लिए अच्छी चीज भी और बुरी चीज भी, काफी लोगों को भाई ये सस्ते में मिल जाएगा साइज की वजह से, बट साइज की वजह से उनको लगेगा बहुत छोटा फोन है, तो ये एक चीज आप लोग ध्यान में रखना। और साथ ही में अगर बात करें लास्टली भाई एक मेजर आपको कह सकते हो प्रोज या फिर बहुत बड़ी शाबाशी जो चीज को आप दोगे, वह भाई आईफोन 12 मिनी के अंदर आपको 5G का सपोर्ट मिलता है, मतलब आप लोग 5G सिम अपनी लगाओ अपना जियो और एयरटेल का, मस्त लुफ्त उठाओ 5G इंटरनेट का। 11 के अंदर वो लुफ्त आप लोग नहीं उठा सकते, और इससे आप लोग वंचित रह जाओगे। तो आप लोग ये चीज देखना कि आपको 5G चाहिए या नहीं, मेरे हिसाब से चाहिए तो 12 मिनी बेटर है। अब दोनों फोनों के अंदर आपको लाइटनिंग लाइक पोर्ट देखने मिलता है, तो यहाँ पे भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वो लाइटनिंग 2.0 वाली आपको स्पीड देखने मिलेगी। अब अगर बात करें भाई बैटरी की, तो बैटरी का यहाँ पे ना बड़ा फर्क आता है। आईफोन 11 के अंदर आपको ज्यादा बड़ी बैटरी देखने मिल जाती है, अराउंड 3110 mAh की बैटरी मिलती है, काफी ज्यादा बड़ी mAh की बैटरी 3110 mAh, और वहीं पे हमारे आईफोन 12 मिनी के अंदर आपको मिलती है 2227 mAh की बैटरी, मतलब 2227 mAh की बैटरी, जो कि काफी ज्यादा कम है। और दोनों फोन जो है वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं, ची वाली 7.5 W की, और फोन दोनों ही जो है 20 W की चार्जिंग सपोर्ट करेंगे आप नॉर्मल केबल से लगाते हो। तो यहाँ पे देखो भाई बैटरी के मामले में सच बोलूं तो आईफोन 11 यहाँ पे विजेता निकल जाएगा, 12 मिनी की बैटरी बहुत ज्यादा छोटी है, यानी नहीं चल पाता उतना देर जितना आईफोन 11 आपका चल जाएगा, तो बैटरी के मामले आईफोन 11 यहाँ पे विजेता निकलता है। बट बाकी सारी चीजों के अंदर जो मैंने नोटिस करा वो 12 मिनी ही बेहतर है, अगर आप एक छोटे फोन के साथ 5.4 इंच की डिस्प्ले के साथ अगर कोई फोन चला सकते हो, तो भाई 12 मिनी ले लो, ज्यादा बेटर
ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सस्ते के अंदर मस्त फोन है ये आईफोन अगर आप लोग ढूंढ रहे हो। मेरे हिसाब से 12 मिनी है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा लगता है फोन ज्यादा बेटर इन दोनों में से, और ये कंपैरिजन वैलिड था या नहीं था वो भी सब भी आप लोग बता सकते हो, फिर अगर आपको इन फ्यूचर कोई दूसरी वीडियो चाहिए तो आप लोग भी बता सकते हो किसके साथ कंपेयर करें। तो बस यार यही थी हमारी वीडियो आज की, अगर आपको पसंद है डिफरेंट लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस बाय।